हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूमिला और आप देख रहे हैं द फूड क्रेयॉन्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बाजू में जो बेल है उसको भी दबा लीजिए। तो आज का रेसिपी जो है वो है खट्टा मीठा आम का अचार। अचार तो हम लोग ऐसे बनाते ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट, सबका ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खट्टा मीठा आम का अचार। तो बहुत ही जल्दी ये बन जाता है और टेस्ट इसका अमेजिंग आता है। अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो बाजार से बिल्कुल भी नहीं मंगवाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये करना है, और आप घर में जरूर इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आ जाइए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये है, मैंने आम लिया है, देखिए ऐसा पीसेस में कट कर लिया है। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करके रखा है। इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और बाद में इसमें नमक डालेंगे। और अगर आम का ज़्यादा खट्टापन आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा हल्दी वाला पानी में आप इसको भिगो के इसका जो खट्टापन है वो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। इसमें क्या है ना, इसका जो गुण है वो भी रहता है। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें 4 टेबलस्पून जितना ऑयल, सरसों का ऑयल मैंने डाला है। तो ये गरम करने के लिए देखिए मैंने छोड़ा है। इसमें मैं अभी 5 फोरन डाल रही हूँ, तो ये 1 टेबलस्पून भर के है। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें सूखा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से फोरन को थोड़ा हीट होना है, उसके बाद हम लोग इसमें जो आम है कटा हुआ वो मिक्स कर देंगे। तो देखिए फोरन हो गया है हम लोगों का। अभी ये आम हम लोग धीरे धीरे डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इक्वली पीस करना है, जैसे भी वो थोड़ा मीडियम साइज का मैंने पीस किया है। तो ये है बड़ा दो आम मैंने लिया है, कच्चा आम जो बड़ा साइज का है वो 2 लिया है। अभी इसको अच्छे से फ्राई करना है, अभी नमक इसमें नहीं डालना है। तो देखिए अभी तो ये फ्राई किया हुआ है थोड़ा आधा, और तो अभी इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि इसमें काला नमक भी मैं ऐड करूंगी। इसको अभी अच्छे से मिक्स करके मैं ढक दूंगी, थोड़ा और पकाऊंगी, थोड़ा और फ्राई करूंगी इसको। अभी इसको ढक दूंगी। तो इसको ना अभी ऐसे बीच बीच में चलाना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है। इसको फ्लेम थोड़ा हाई करके देखिए ऐसे कैसे पानी छोड़ा है। अभी इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसमें ना खूब सारा धनिया पाउडर, अभी मैं 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, बाद में फिर से ऐड करूँगी। तो धनिया पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और इसमें अभी मैं गुड़ डालूँगी। तो अभी इसमें देखिए 2 के लिए मैंने इतना लिया है, तो ये पूरा गुड़ मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा सा चीनी भी बाइंडिंग के लिए मुझे ऐड करना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर रही हूँ, बाद में अकॉर्डिंग टू टेस्ट और भी ऐड करना है तो करूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो इसमें मैंने आधा कटोरी, छोटा सा आधा कटोरी चीनी और गुड़ ऐड किया है। इसको गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है, और अभी इसको ढक देंगे, इसको गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी गुड़ को अच्छे से मिक्स करके हम ढक देंगे। तो देखिए इसमें अभी गुड़ गलने के लिए मैं थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, अभी इसमें गुड़ अच्छे से गल जाएगा। देखिए गुड़ अभी गल गया है, इसको थोड़ा और पकाएंगे। देखिए आम को थोड़ा और पकाना है, तो कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो थोड़ा देर और पकाएंगे इसको। तो देखिए दोस्तों इसको ना गुड़ और चीनी डालने के बाद 10 मिनट मैं ऐसे चला रही हूँ 10 मिनट से। तो 10 मिनट में ये अच्छे से हो जाएगा, इसके बाद और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो क्या होता है ना, हम लोगों को जैसे कि लंच खाने के बाद थोड़ा मतलब मीठा खट्टा मीठा वाला अचार ये चाहिए। तो ये अगर एक बार आप बना के घर में रखोगे तो ये बहुत दिनों तक फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो, ये बहुत दिनों तक चलता है। तो मैं
आपके घर में रखते हो, कभी भी मन करे तो निकाल के खा सकते हैं। तो इस टाइम पे इसमें हाफ टी स्पून जितना मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ। काला नमक बाद में ही ऐड करना है, नहीं तो उसका टेस्ट मिक्स हो जाता है। तो इसको थोड़ा और पकाऊंगी। इसमें क्या होता है ना, अचार में एक चटपटा सा फ्लेवर आता है और काला नमक इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर छोड़ता है। और इस टाइम पे खूब सारा धनिया पाउडर मैं ऐड करूंगी। तो ऐसा 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। तो अभी इसको अच्छे से पकाना है। तो इसका जितना आपको थिक चाहिए उतना हिसाब से आप बना सकते हो। तो मैं थोड़ा गाढ़ा इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा और उबालने के लिए इसको छोड़ूंगी। तो इस टाइम पे थोड़ा मैं भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये जो है, मैंने जीरा और सूखा लाल मिर्च को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसको भी मिक्स करना है। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें धनिया पाउडर लास्ट में ऐड करूंगी। और धनिया पाउडर का ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जरूर घर में इसको एक बार ट्राई कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर गैस को तुरंत बंद करना है। तो आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। आप बहुत सारे अचार तो बाजार से भी खरीदते हैं और घर में भी बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए घर में, मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए अभी इसको निकाल के सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अचार बिल्कुल रेडी है। कितना सुंदर इसका कलर आया है। और इसमें और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूंगी, वो आप ज़रूर ऐड करना। और कुछ टिप्स है, जैसे कि धनिया पाउडर मैंने 4 टेबलस्पून भर भर के लिया है, पूरा 4 टेबलस्पून एक स्टार्टिंग में डाला था, 2 टेबलस्पून मिडिल में डाला था और एंड में डाल के मैंने जब सर्व किया था उससे पहले डाला था। तो ये सब टिप्स आपको फॉलो करना है। और काला नमक भी आपको एंड में ही ऐड करना है, नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा। और इसमें अभी ये मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, ये है 5 फोरन को मैंने ड्राई रोस्ट किया है और उसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाजू में जो बेल है उसको दबाना मत भूलना। तब तक के लिए देखिए, बाय।